प्रोग्राम है ना, ये दिस इज डिजाइन टू ऑफ कोर्स रीससिटेट न्यूबॉर्न्स एट बर्थ. रिमेंबर रीससिटेशन इज डिफरेंट फ्रॉम स्टेबलाइजेशन. स्टेबलाइजेशन तकरीबन सारे न्यूबॉर्न्स को करना पड़ता है, थोड़ा सा वॉक करते हो, स्टिमुलेट करते हो, रैप्ड देम अप, गिव देम टू मदर, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग. रीससिटेशन इज डिफरेंट, दैट इज हेल्पिंग अ बेबी बियॉन्ड स्टेबलाइजेशन. अच्छा, अब इसके रीससिटेशन के बहुत से प्रोग्राम्स हैं, हम लोग जो फॉलो करें आजकल वो NRP, विच इज़ अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, NLSP, न्यूबॉर्न लाइफ सपोर्ट जो ब्रिटिश है, दैट टू इज़ अ वेरी गुड प्रोग्राम. लेकिन क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक में भी यही आ गया है, आपकी टेक्स्ट बुक में यही है ना, यही एल्गोरिथम बना हुआ है, इसलिए आई थॉट ऑल्दो NRP थोड़ा सा सिंपलर है, बट बिकॉज आपकी टेक्स्ट बुक में है इसलिए आपको यही एल्गोरिथम बनाना चाहिए, हम भी यही करें. अच्छा, नाउ दिस इज बेस्ड ऑन, पहले तो ये आपको यहाँ से शुरू होते हैं, लेकिन बेसिकली प्रेपरेशन ऑफ रीससिटेशन स्टार्ट बियॉन्ड दैट, इससे पहले शुरू होती है, और उससे पहले जो आपको टीच किया जाता है, फ्यू वर्किंग जिस अगर आप मेरी यूनिट में कॉल कर रहे हो, तो हर सुबह को वो वहाँ जाकर रीससिटेशन का सामान रेडी करते हैं. सो प्रेपरेशन फॉर रीससिटेशन बिगिंस बिफोर दैट. अच्छा, कुछ जो बच्चे स्पेसिफिक रिस्क फैक्टर्स वाले हैं, जिस तरह डायबेटिक मदर है, प्री जंक है, मल्टीपल जेस्टेशन है, ट्विन्स, ट्रिपलेट्स डिलीवर हो रहे हैं, प्रीवियस बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री है, मदर में कोई भी प्रॉब्लम है, हाइपरटेंशन है, सबसे आपको मिला हुआ है, या एंटीनेटली आया है, इसमें कोई जेंटल डिफेक्ट है, दीज आर सिचुएशंस व्हेन अ डॉक्टर डेफिनेटली हैज टू बी प्रेजेंट. स्टेबलाइजेशन ऑफ द न्यूबॉर्न जो रिस्क फैक्टर्स के बगैर है, इसमें कोई भी स्किल बर्थ अटेंडेंट, चाहे नर्स हो, चाहे यू नो कोई मिडवाइफ हो, वो कर सकते, ठीक है, बट फॉर रीससिटेशन वी एक्सपेक्ट डॉक्टर्स एंड ट्रेन नर्सेज टू डू. ओके, सो मैंने आपका प्रेपरेशन उससे पहले शुरू होती है. प्रेपरेशन में मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ. आपने बच्चे को वार्मथ प्रोवाइड करनी है, सरफेस होनी चाहिए फर्म जिसके ऊपर बेबी को रख के आपने रीससिटेट करना है. आपके पास उसके एयरवे के लिए सामान होना चाहिए, विच मीन्स ऑक्सीजन, एयरवेज, उसकी ब्रीदिंग का सामान, मास्क बैग अगर नहीं है तो टी पीस इज अ सॉर्ट ऑफ अ डिवाइस, जो आप समझ लो जिस तरह ये मास्क है ना, इसके दो पोर्ट्स होते हैं, उसमें बैग की ज़रूरत नहीं होती, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई मेन से आ रही होती है. आपका काम सिर्फ ये होता है, यहाँ से इसमें ऑक्सीजन आ रही है, आप हम को प्रेस करते हो और ऑक्सीजन का प्रेशर बढ़ाते हो. एंड इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस टू एडजस्ट द टेम्परेचर, इसके ऊपर एक डायल लगा हुआ है, मैं डायल जहाँ पर भी सेट कर दूँगी इसका पीक एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर सेट हो जाएगा, विच मीन्स कि जब मैं अपना अंगूठा यहाँ से हिलाऊंगी तो मास्क के अंदर प्रेशर ज़ीरो नहीं होगा, ठीक है, अगर ज़ीरो हो जाए तो बेबी के लंग्स फिर कोलैप्स कर जाएंगे. सो वी ऑल नीड पीप टू कीप आवर एल्वियोलाई ओपन, तो पीप यूजली 4 की हम सेट कर देते हैं इसके ऊपर, ताकि जब आप अपना थंब रिलीज करो तो यहाँ पे प्रेशर टोटली फॉल ना करे. और इसी तरह डायल के साथ आप ये भी सेटिंग कर सकते हो कि जब थंब से आपने प्रेस करना है तो कितना प्रेशर देना है. We usually start with the pressure of 25 in preterms and 30 in term. लेकिन आपने chest rise देखना होता है, अगर chest rise नहीं हो रही, you can go on higher pressures as well. Okay. इस bag के साथ ये, this is the simplest. इसमें peak inspiratory pressure आप generate करते हो, जो valve limit कर देता है 240. लेकिन इसमें peak and expiratory pressure generate नहीं होता, क्योंकि जब दबा के मैंने इसको छोड़ा है ना, तो इसमें प्रेशर ज़ीरो इधर उधर से लीक कर. ओके, यू कैन एक्चुअली, ये आपके बैग्स, दूसरे कुछ बैग्स ऐसे होते हैं जिनमें पोर्ट्स होते हैं ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करने के. इस वक्त इस बैग से जो मैं एयर निकालती हूँ, जब मैं इसको रिलीज करती हूँ तो रूम की एयर इसमें आती है, तो बेसिकली आप रूम एयर में रीससिटेट करो बेबी को. यू माइट वॉन्ट टू गो अप ऑन द ऑक्सीजन. उसका तरीका ये है कि कुछ बैग्स आते हैं जिनके साथ एक पोर्ट होता है जो आप ऑक्सीजन सप्लाई के साथ लगा देते हैं, और एक उसके साथ रेजर्वा बैग होता है, तो इसके अंदर यू कैन इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज यू हैव अटैच्ड इट टू योर मेन सप्लाई, सो यू कैन गो अप टू 90% ऑक्सीजन. हाउएवर, अब जो नया ट्रेंड है, नया तो नहीं, काफ़ी सालों से हो रहा है कि बच्चों को ऑक्सीजन से मत रीससिटेट करें, आपने उनको एयर ऑक्सीजन मिक्सचर से पहले रूम एयर से करना शुरू करें. अगर उनकी सेचुरेशन टारगेट से कम आ रही है तो फिर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को इंक्रीज करें, क्योंकि ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी होती है, पर्टिकुलरली इन प्रीटर्म जो रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी करती है. और आपका जो ये
है इसमें इसमें ये देखो सैचुरेशन का गाइडलाइन धीमी होती है. प्री डक्टल का मतलब है आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स बट यूजली राइट हैंड पे आप सैचुरेशन देते हो क्योंकि राइट सबक्लेवियन आर्टरी के बाद पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस होता है, उसमें थोड़ी सी मिक्सिंग होती है. सो प्री डक्टल मीन्स कि वो अनमिक्स ब्लड जो है वो आप देते हो. 1 मिनट में 60 to 65 की सैचुरेशन इज गुड एनफ. 2 मिनट्स में 65 to 73 मिनट्स में 70 to 75 लाइकवाइज. ये आपको इस चार्ट पे गाइड दिया हुआ है ताकि अगर आपको वैल्यूज याद नहीं भी रहती तो अपनी ऑक्सीजन बढ़ाने से पहले इस चार्ट को देख लो क्या एज के लिहाज से उसकी सैचुरेशन ठीक है. ठीक है तो FiO2 को इंक्रीज करने की जरूरत नहीं. ठीक है. सो थोड़ा सा मैं आपको इक्विपमेंट का पहले बता दूँ. सो एक तो मैंने आपको कहा कि आपके पास वार्म्थ प्रोवाइड करने की इक्विपमेंट होनी चाहिए, आपके पास सरफेस होनी चाहिए, आपके पास ए फॉर एयरवे की इक्विपमेंट होनी चाहिए विच मीन्स अगर एयरवे क्लियर करना हो तो सक्शन का तरीका विच मे बी हेल्ड हैंड सकर जिसको आप कंप्रेस करते हो, मुंह में डालते हो, रिलीज करते हो तो सारी सेक्रेशंस यहाँ पे आ जाती हैं. 2-3 दफ़ा उसको पानी के नीचे करो एंड रिपीट द प्रोसीजर. यू कैन डू दिस टू द माउथ, यू कैन डू दिस टू द नोज एज वेल. जब आपसे मैं प्रैक्टिस कराऊंगी तो आप लोग अक्सर ये करते हो, ये नहीं करना, इससे सेक्रेशंस अंदर जाएंगी. कंप्रेस करके मुंह में डाल के रिलीज करते हैं. कंप्रेस रिलीज कंप्रेस. जब भी बेबी को रीसेसिटेट करते हैं पहले माउथ को करते हैं ताकि अगर मिकोनियम हो कोई और आपने नाक को पहले स्टिमुलेट किया तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टिमुलस. तो बच्चा गैस्प करेगा तो सारी सिक्रीशंस. माउथ इज अ बिगर रिजर्वर एंड लेस सेंसिटिव. क्लियर द माउथ फर्स्ट देन क्लियर द नोज. सो ये आपका एयरवे क्लियर करने का प्रोसीजर, एयरवे का अपरेटस, एयरवे मेंटेन करने का अपरेटस. वो शायद आपको नहीं दिखाए हुए छोटे छोटे एयरवेज जितना बड़ों में होते हैं ना गिडल एयरवेज, उस तरह न्यू बॉर्न्स के लिए भी होते हैं. आप उनके मुंह में डाल देते हो अच्छा. फिर आपने पूछते हैं क्या मेरे पास कोई तरीका है कि ए के बाद अगर बी ब्रीदिंग की जरूरत पड़ जाए बच्चे को, डू आई हैव इक्विपमेंट उसके लिए. मास्क एंड बैग जो मैंने आपको बताया, टी पी सी उसको कहते हैं जो इसकी जगह लेता है. एनेस्थीजिया बैग भी आप यूज़ कर सकते हो. इसके साथ जो मास्क है आपका इसकी फिटिंग ज़रूरी है. द मास्क मस्ट कवर द बेबी. ये मास्क इस टर्म बच्चे के लिए छोटा है, इसको ब्रिज ऑफ द नोज से चिन तक जाना चाहिए. तो आप ऊपर रख के देखते हो दिस इज द करेक्ट मास्क फॉर दिस बेबी. दीज आर ट्रांसपेरेंट ताकि साइनोसिस और सेक्रेशंस आपको नजर आती रहे. और ये ए ट्रोमेटिक होते हैं, दे आर सॉफ्ट, दे आर मैलेबल प्लाइबल और उनकी कुशन रिम होती है. कुशन रिम का मतलब ये है कि आप टाइट सील कर सकते हो. ठीक है, स्टिफ अगर होंगे इधर से लीक होगा, इधर से लीक होगा, इधर से. दिस अलाउज द रिम टू अडेप्ट टू द बेबीज फेस जो उसके फेशियल बोन्स है. अच्छा, उसके बाद आपने देखना है सी पे आ जाओ. सर्कुलेशन मेंटेन करने का कोई सामान है, यू नीड अ स्टेथोस्कोप क्योंकि आपने बच्चे का हार्ट रेट सुनना है. NRP रिकमेंड करती है कि अगर आप बैगिंग की स्टेज पे आ गए हैं, ब्रीदिंग की स्टेज पे आ गए हैं तो बच्चे के साथ एक पल्स एक मॉनिटर लगाएं जिसमें उसकी सैचुरेशन भी आ रही हो और हार्ट रेट भी आ रहा हो. अगर आपके पास वो अपरेटस नहीं है तो स्टेथोस्कोप से सुनो. और सर्कुलेशन मेंटेन करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपके पास IV एक्सेस का कोई तरीका होना चाहिए, IV कैनुलास, बट वी रेकमेंड पासिंग एन अम्ब्लिकल वीनस कैथेटर. सो आपके पास UVC होनी चाहिए, जहाँ UVC नहीं है वहाँ पे पहले हम NG ट्यूब डाल देते. दिस इज द बेस्ट वे ऑफ रीचिंग द बेबी सर्कुलेशन. और सामान में आपके पास ऑब्वियसली मेडिकेशन में मैं बाद में आऊँगी जब ड्रग्स के हम उसमें हेडिंग में आएंगे, लेकिन सर्कुलेशन का जब आप सोचते हो आपके पास स्टेथ होना चाहिए टू लिसन टू द हार्ट रेट. आपके पास प्रेफरेबली एक मॉनिटर होना चाहिए जिसमें बच्चे की सैचुरेशन एंड हार्ट रेट आ रहा हो ताकि बार बार आपको रीसस्टेशन स्टॉप करके उसका सुनना ना पड़े. और तीसरी आपको कोई जो रिसोर्सेज में आपको UVC चाहिए, IV कैनला चाहिए, चाहे आप उनको ड्रग्स के साथ याद रख लो, चाहे आप उनको सर्कुलेशन के साथ याद रख लो. अभी आप इससे भी पुराने स्टेप पे हो जो मैं आपको कही थी आपने अपना सामान रेडी कर लिया उसके मैं आपको लवाजमात बता रही हूँ.
अगर आप बहुत अच्छे और एडवांस और न्यूबॉर्न रिसस्टेशन आपको आती है तो एंडोट्रेकियल ट्यूब्स, बट इफ यू कांट इंटूबेट डोंट वरी, इसके साथ करते रहो. लेकिन वी टीच आर रेजिडेंट्स कि ट्यूब की जहाँ ज़रूरत पड़े, जो ट्यूब भी साइज 2.5, 3, 3.5, तीन ट्यूब्स हम रखते हैं. ओके, सो व्हाट ड्रग्स डू यू नीड टू हैव? ड्रग्स कौन कौन सी बताई थी? एपिनेफ्रिन और सेलाइन वॉल्यूम एक्सपेंशन के लिए. अगर बच्चे का ब्लड लॉस हुआ तो ओ नेगेटिव ब्लड आपके पास होना चाहिए. और एक और कौन सी चीज़ होनी चाहिए? बाइकार्बोनेट. बिल्कुल ही नहीं, बाइकार्बोनेट इज नॉट रिकमेंडेड. डेक्सट्रोज होना चाहिए. बाइकार्बोनेट, एट्रोपीन, ये सारी चीज़ें आर आउट नाउ. सो एपिनेफ्रिन, डेक्सट्रोज वाटर, वॉल्यूम एक्सपेंशन के सेलाइन और प्लाज्मा. और तीसरा, अगर ब्लड की जरूरत पड़े तो ओ नेगेटिव ब्लड विच इज नॉट प्रेजेंट ऑन योर रीससिटेशन ट्रॉली बट शुड बी अरेंज फॉर एट्स, कहीं भी होना चाहिए. सो ये अगर आपके पास टाइम है प्रेपरेशन का तो ये सारी चीज़ें आपने देखी. जब भी आप जाओ रीससिटेशन का सामान इवेल्यूएट करने, सोचो क्या मैं, मेरे पास बच्चे की वार्मिंग वार्म मैं कर सकता हूँ इसको, यानी हीटर है क्या मेरे पास, इसका एयरवे मेंटेन करने का सामान है क्या मेरे पास, इसकी ब्रीदिंग को सॉर्ट आउट करने का सामान है क्या मेरे पास, इसकी सर्कुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विपमेंट है क्या मेरे पास, ड्रग्स हैं कि नहीं. वार्म करने के लिए आपको, वार्म्थ इज द फर्स्ट स्टेप एंड यू नीड स्पेयर शीट्स. हीटेड टॉवल्स आपके पास होने चाहिए, स्पेयर शीट्स होनी चाहिए कि बच्चे को आप जब क्लीन करो तो वेट टॉवल को फेंको और ड्राई टॉवल को ऐड करो. ठीक है, आई हैवंट इवन स्टार्टेड द चार्ट हियर, मैं सिर्फ आपकी प्रेपरेशन पे. वंस द बेबी इज डिलीवर्ड, ये आपने तीन सवाल पूछने होते हैं. बच्चा टर्म है, टोन कैसी है, ब्रीथ कर रहा है, क्राई कर रहा है. अगर तो इन सारों का आंसर येस्ट है, यानी टर्म है, ब्रीथ क्राई कर रहा है और टोन गुड है, देन दिस बेबी डज नॉट नीड रीससिटेशन, इट नीड स्टेबलाइजेशन ओनली. और इन बच्चों में रेकमेंडेड है, सब इनकी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनको नहीं पता थी, इसलिए मैं दोबारा से जरा करवा रही हूँ. इन बच्चों में रेकमेंडेड है कि आप डेफर्ड कॉर्ड क्लैंपिंग करें, और ये कान खोल के सुन लो. द रेकमेंडेशन नाउ इज टू कॉर्ड एंड कट द क्लैंप एट 30 टू 60 सेकेंड्स ऑफ लाइफ. आपने बेटा राउंड करना तो बेशक कर लो, मैं इनको करा लेती हूँ 30 टू 60 सेकेंड्स में, बिकॉज डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग हैज सेवरल एडवांटेजेस एंड वी प्रेफर डिलेड कॉर्ड क्लैंपिंग. अगर इस लिंक से बच्चा निकल गया, रूटीन केयर प्रोवाइड वार्म, मैंने जो आपको बताया ड्राई टॉवल्स एटसेट्रा एटसेट्रा, मदर के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट में रखें, कॉर्ड अभी उसकी मदर के अंदर से निकल रही होती है और बेबीज को हम मदर की एब्डोमेन पे रख देते हैं और वेट करते हैं फॉर 30 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स, और इस दौरान में आप उसको, बच्चे को साफ कर रहे होते हो, उसको मदर के साथ स्किन टू स्किन कर रहे होते हो. अगर आपको कोई सिक्रीशन मुँह में नजर आ रही है, खटखटाहट हो रही है, तो उसको आप क्लियर करते हो. And then you cut the cord and you advise breastfeeding and you keep this baby under oxygen. अगर इन तीनों में से किसी का भी आंसर नो है, टर्म नहीं है, हीटर में ब्रीथ ट्राई नहीं कर रहा, रीनी के जोर जोर से रो रहा हो, अगर ब्रीथ भी कर रहे रेगुलरली दैट्स ओके, लेकिन इन दोनों में से नहीं कर रहा, क्या ब्रीदिंग है ही नहीं, क्या इरेगुलर ब्रीदिंग है उसकी, या टोन अच्छी नहीं है, लिम्प है. जब आप बच्चे को आपने दिखाया ऑब्स्टेशन ने उठाया या आपने देखा तो वो लिम्प है, फ्लॉपी है, then this baby will not go here, this baby needs more than stabilization. इसकी आपने as soon as possible cord cut करनी है, ये afford नहीं करता deferred cord clamping, and this baby is brought to your resuscitation service. ठीक है, इसमें आप देख रहे हो आपके ये lozenges हैं और ये rectangles हैं. Lozenges represent your observations और rectangles represent the action that you will do in response to these observations. ठीक है, सो इनमें से किसी का भी आंसर नो हो तो आपने उसको वो लेके आना है अपनी सर्फेस पे. यू वार्म द बेबी, यू क्लियर एयर वेज, यू ड्राई एंड स्टिमुलेट. और ये मैंने आपको बता दिया किस तरह. सो जब बेबी आपके पास आता है, यहाँ पे आप लेके आए इनिशियल स्टेप्स ही होते हैं, यू ड्राइंग, वार्मिंग, यू लुकिंग एट द एयर वेज, यूजली इस तरह होता है बच्चा, एंड यू क्लियरिंग एयर वेज. ठीक है, यह आपने फटाफट की काम इसका कर देना विद इन सेकेंड्स. जो वेट शीट मैंने फेंकी, इसको क्लीन शीट में रैप किया. इन द मीन टाइम बिकॉज आई एम हैंडलिंग द बेबी, मुझे इसका टोन का भी पता चल रहा है, एंड आई डू माय नेक्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन. नेक्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपको हार्ट बीट
रीड सुनना पड़ता है. सो वंस यू हैव फिनिश्ड दिस ड्राइंग गेट एन वैल्यू ऑफ द टोन ऑफ द बेबी क्राई कर रहा है ब्रीदिंग का आपको आइडिया होता है आपने क्विकली इसका हार्ट ऑस्कल्टेट करना है ठीक है. एंड यू डोंट नीड टू लिसन टू वन मिनट एंड काउंट इट आपको दिस इज स्लो हार्ट दिस इज नॉर्मल हार्ट कहीं पे भी स्लो अगर हार्ट आपको मिल रहा है या अगर आपने स्टेज तक पल्स ऑक्सीमीटर लगा लिया है जो रिकमेंडेड है कि लगा लें अगर स्लो हार्ट रेट मिलता है तो आपने देख रहे हैं दो चीज़ें हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट है या एपनिक और गैस्पिंग तो नहीं है. अगर हार्ट रेट बिलो 100 बीट्स पर मिनट है या ये बच्चा गैस कर रहा है या सांस ही नहीं ले रहा तो आपका नेक्स्ट एक्शन भी है प्रोवाइड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. अगर यहाँ पे आपने पल्स ऑक्सीमीटर नहीं इसका टेस्ट था तो फिर स्टार्ट मॉनिटरिंग द सैचुरेशन ठीक है. सो ये बच्चा कोई भी सवाल का जवाब यस था आप यहाँ ले आए आपने इसको वार्म ड्राई स्टिमुलेट किया उस दौरान ने आपने नेक्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन किया. नेक्स्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन में सिर्फ दो चीज़ें देखनी है हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से नीचे तो नहीं है गैस्पिंग और एपनिक तो नहीं है. अगर इनमें से किसी का आंसर यस है तो आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू कर देनी है. और ये आप देख रहे हो फ्रॉम बर्थ टू पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन इफ नीडेड द टाइम इज 60 seconds एंड दिस इज कॉल्ड द गोल्डन मिनट. इसमें आप इंटरवीन कर लोगे तो आप बच्चा सेव कर लोगे इसको इंटरवीन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम. ये कॉन्सेप्ट है गोल्डन मिनट का बर्थ से लेके पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन केस नीडेड शुड बी डन इन 1 minute फ्लैट. अगर आपने इस बच्चे को देखा है और आपने देखा है कि हार्ट बीट इसकी ठीक है सांस ले रहा है गैस नहीं कर रहा लेकिन इसकी लेबर्ड ब्रीदिंग है डिस्ट्रेस है इसको या इसका परसिस्टेंट साइनोसिस है जाहिर है आप पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन नहीं दोगे इसको दिस बेबी इज ब्रीदिंग ऑल्दो वेरी डिफिकल्टी आपने उसका क्या करना है आपने इस लिम में आना है उसके एयरवेज क्लियर करनी है सैचुरेशन इसकी देखनी है. अगर इसकी सैचुरेशन टारगेट रेट से कम आ रही है तो यू कंसिडर सीपैप. सीपैप इज गिविंग एयर अंडर प्रेशर एंड देयर वेरियस वेज ऑफ डूइंग इट. ये प्रॉबली आपको इतना कंसर्न नहीं करता आई एम मोर कंसर्न कि आपको ये स्टेप्स सारे आते हैं. यहाँ पे अगर थोड़ा सा डिले हो जाएगा कोई सीनियर आ जाएगा इट डजंट मैटर. ये आप इस स्टेज पे हो आप खुद पीडियाट्रिशियन नहीं हो आप हाउस ऑफिसर हो आप कहो कि बेबी को वार्ड में ले जाओ ठीक है ऑक्सीजन लगा दी स्टेप्स यू मस्ट नो. लेकिन क्योंकि ये रास्ते में आ रहे थे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके रिमेंबर दिस हार्ट रेट ऑफ 100 बीट्स पर मिनट. जहाँ बेबी का हार्ट रेट 100 बीट्स पर मिनट से नीचे हुआ आपने इसको वेंटिलेशन देनी है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन चाहे बैग से दें चाहे एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल के दें चाहे टीपी से दें ठीक है. रिमेंबर दीज टू एक 100 का हार्ट रेट याद रखो और एक आपने 60 का हार्ट रेट याद रखो. मैं आपको बताती हूँ 60 पे क्या करना है. ओके सो योर बेबी हैड अ हार्ट रेट ऑफ लेस देन 100 बीट्स पर मिनट वाज गैस्पिंग और एपनिक विद इन 1 minute आपने पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन शुरू कर दी. अब आपने इसकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन करनी है 15 seconds के बाद 15 seconds ऑफ गुड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और दोबारा से फिर आपने इसका हार्ट रेट देखते हैं. 15 seconds के बाद हार्ट रेट ऊपर नहीं आया 100 से ऊपर नहीं आया इसका मतलब है आपकी वेंटिलेशन इफेक्टिव नहीं हो रही आपने वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स लेने हैं. क्योंकि हार्ट रेट ना राइज करने का मतलब ये है इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस कि आप बैगिंग ठीक नहीं कर रहे उसके लंग्स एक्सपैंड नहीं हो रहे इसलिए आपका नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या होता है. अगर 15 सेकेंड ऑफ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के बाद हार्ट रेट 100 से ऊपर नहीं आता तो आपने उसकी वेंटिलेशन को रिव्यू करना है और करेक्ट करना है. और वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स क्या हैं इसको हम मिस्टर सोफा कहते हैं. ये भी आपके चार्ट्स पे और मेरे ख्याल आपका जो चार्ट की किताब में उसमें दिया है. व्हाट इज मिस्टर सोफा स्टैंड फॉर मास्क रीएडजस्टमेंट रीपोजिशन एयर में सक्शन माउथ एंड नोज ओपन माउथ अपना वेंटिलेशन का प्रेशर इंक्रीज करो एयर वे ऑल्टरनेटिव यानी एंडोट्रेकियल ट्यूब का सोचो ठीक है. सो आई हैव डन माई पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन
मैं तुम्हें को ड्रामा भी करके दिखा देती हूँ। मैं अपनी तरफ से पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दे रही हूँ। 15 सेकंड बाद किसी और ने इसका हार्ट रेट लिया और इसने कहा हार्ट रेट इंक्रीज नहीं करा। एंड यूजुअली जो बंदा हार्ट रेट लेता है वो साथ ये भी अनाउंस करता है, हार्ट रेट नॉट इंक्रीजिंग एंड चेस्ट नॉट मूविंग। ठीक है, अगर आपके पास एक और बंदा नहीं भी है, इट डजेंट मैटर, आप एयरवे करेक्टिव स्टेप्स लो। अब मास्क को देखो, क्या मेरा मास्क माउथ नोज को कवर कर रहा है? इसमें लीक्स तो नहीं है, इसको मैंने दबा के रखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका? पढ़ो, रीपोजिशन व्हाट? एयरवे। ओके, इसका क्या मतलब है? चिन लिफ्ट, क्योंकि जो न्यू बॉर्न होते हैं ना उनका ये ऑक्सीपिट बहुत लार्ज होता है, दे हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू फ्लेक्स। जब ये फ्लेक्स करते हैं ना तो इनका एयरवे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लाइकवाइज अगर आप बहुत एग्जूबरेंटली ओवर स्ट्रेच करोगे तो भी एयरवे कॉम्प्रोमाइज होगा। तो इनके हेड्स को हम कहते हैं कि इनको न्यूट्रल पोजीशन में होना चाहिए। न्यूट्रल पोजीशन का मतलब है या तो आप कंधों के नीचे अबाउट 1 to 2 centimeter का कोई फोल्डेड पैड रख दो तो इसका सर न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा, या आप थोड़ा सा इसको चिन लिफ्ट दे दो। ठीक है, और तो जिस तरह इसको दिया हुआ तो ये न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा। मास्क में ईसी ग्रिप जो है वो ज़रूरी है। ईसी ग्रिप इज योर हैंड शुड बी शेप्ड लाइक एन ई, जिसमें ई के दो लिम्स, माय थंब एंड माय फोर फिंगर इज मेकिंग श्योर दैट इट्स मेकिंग गुड कॉन्टैक्ट एंड माय रिंग फिंगर मिडिल फिंगर इज ऑन द चिन टू गिव दिस बेबी अ चिन लिफ्ट एंड पोजिशन द हेड। ठीक है, सो दिस इज वॉट इज मेंट बाय मास्क रीपोजिशन by airway repositioning। ठीक है, next पढ़ो section। okay, अगर आपने ये भी कर लिया और फिर भी chest rise नहीं आ रहा तो look at the baby's mouth to see कोई secretions तो नहीं है जो obstruct कर रही है। अगर secretions आपको नजर आ रही है तो आप suction करो, अगर secretions नजर नहीं आ रही तो blind suctioning नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? ये तो फिर भी safe है। अगर आप वॉल माउंटेड सकर से कर रहे हो और ट्यूब डाल रहे हो तो पीछे फरिंजियल वॉल पे जब वो लगती है तो वो रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया कर देती है। ठीक है, सिक्रीशंस नजर आ रही है तो सक्शन आउट करें। तो मैंने सक्शन आउट भी कर लिया, फिर आगे पढ़ो, ओपन माउथ। अच्छा, अभी भी चेस्ट राइज नहीं आ रहा तो आप ये देखो बच्चे का माउथ ओपन है कि नहीं है, तो इस तरह करके ओपन करो। मे बी द माउथ इज शट, जो आप दे रहे हो उसको वो साइडों से निकल रही है, वो आप करो। उसके बाद पढ़ो क्या प्रेशर इंक्रीज, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्या स्टिफ लंग्स तो नहीं है मेरे बेबी के? डू आई नीड टू ब्लॉक दिस क्लैंप? या अगर मेरे पास टी पीस वेंटिल वो है, टी पीस है, तो क्या मैं उसमें अपना पीक इंस्पिरेटरी प्रेशर को जो मैं 30 का दे रही हूँ 35 पे चले जाऊँ या 40 पे चले जाऊँ? ओके, और आखिरी क्या स्टेप है? एयरवे अल्टरनेटिव। इसी चीज़ से नहीं ठीक हो रहा तो वो इज ए समथिंग, इज द एयरवे टू नैरो? क्या मुझे एंडोट्रिक, एक दफा आप एंडोट्रिकल ट्यूब डाल दो देन यू आर इन द एयरवे डायरेक्टली। ठीक है, सो दीज आर दी एयरवे करेक्टिव स्टेप्स। इफ आफ्टर 15 सेकेंड्स ऑफ बैगिंग, और बाय द वे जब आप बैग कर रहे होते हो आपकी आंख इसकी चेस्ट पे होनी चाहिए टू लुक फॉर चेस्ट राइज। अगर आप वो नहीं देख रहे तो आप गलती कर रहे हो, क्यों? अदरवाइज आपके पास मॉनिटर होना चाहिए जो हमारे पास यूजली नहीं होता, सो वी रिलाई ऑन द चेस्ट राइज। ठीक है, अच्छा, सो 15 सेकेंड के बाद आपने मिस्टर सोपा किया and then we continue this to bag this baby for another 15 seconds. 15 second ke liye aapne phir bag kiya isko. 15 second ke baad aap apni dusri observation karte ho jisme abhi sabse important cheez heart rate hai. So you listen to the heart rate again. अच्छा जी, सो ये आपने कर लिया टेक वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स, आपने अपनी दूसरी ऑब्जर्वेशन की, आपका हार्ट रेट अगर तो 100 बीट्स पर मिनट और से नीचे है और 60 से अगर ऊपर है यू कंटिन्यू टू वेंटिलेट। ठीक है, 100 और 60 के बीच में, 60 से नीचे नहीं है, 60 और 100 के बीच में आप वेंटिलेशन करेक्टिव स्टेप्स करो, 15 सेकेंड्स के लिए बैक मास्क करो, उसके हार्ट रेट पर नज़र रखो। अगर आप खुद नहीं एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल सकते तो किसी को बुलाओ कि एंडोट्रेकियल ट्यूब डाले। एज लॉन्ग एज योर हार्ट रेट इज अबव 60 you're okay, you just stick to ventilating the baby all the time thinking ki mujhe corrective steps ki zarurat to nahi hai. However if at any point in time, aur agar aapka air mein baith hai to uska heart rate fall karega hi karega,
अगर इसका हार्ट रेट किसी भी पॉइंट पे 60 बीट्स पर मिनट से नीचे चला गया, तो मैं आपको रीकैप करती हूँ, मैंने क्या कहा था, आपने इनिशियली जब हार्ट रेट 100 से कम था आपने बैक वेल्व मास्क वेंटिलेशन की या जिस तरह भी, आपने 15 सेकंड के बाद हार्ट रेट फिर काउंट किया, अगर हार्ट रेट बेहतर हो रहा है वेल एंड गुड, कंटिन्यू विद योर वेंटिलेशन, लुक फॉर स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग इन द बेबी। अगर हार्ट रेट 100 से कम है मिस्टर सोपा, आप दोबारा से वैक करेंगे, 15 सेकंड के बाद आप दूसरी ऑब्जर्वेशन लेंगे हार्ट रेट की। अगर हार्ट रेट आपका 60 और 100 के बीच में ही चल रहा है, यू कंटिन्यू विद योर वेंटिलेशन ऑल द टाइम थिंकिंग मिस्टर सोपा एंड थिंकिंग ऑफ कॉलिंग समबडी सीनियर, थिंकिंग ऑफ इंट्यूबेटिंग दिस बेबी फॉर, और फिर आपने अपनी ऑब्जर्वेशन 30 सेकेंड्स के इंटरवल से करना। इफ एट एनी पॉइंट इन टाइम आपका हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट से नीचे फॉल करता है, दैट मींस यू नीड टू कंसिडर द नेक्स्ट स्टेप। नाउ यू नीड टू कंसिडर चेस्ट कंप्रेशंस, और चेस्ट कंप्रेशन से पहले पहले इस बच्चे की ट्यूब अंदर होनी चाहिए, वरना अगर आपके पास ट्यूब नहीं है, आप किसी लखोदक सहरा में हैं, किसी बहुत ही गंदे सेंटर में हैं, तो आपने बैगिंग कंटिन्यू करनी है और उसके साथ ही आपने उसके कंप्रेशंस भी करनी है। लेकिन अगर आप किसी हॉस्पिटल सेटिंग में हो, दिस इज़ वेयर यू स्टार्ट इंट्यूबेटिंग, क्योंकि चेस्ट कंप्रेशंस और इंट्यूबेशन साथ साथ इफेक्टिवली करने के लिए, चेस्ट कंप्रेशंस और ब्रेथ्स देने इफेक्टिवली देने के लिए इंट्यूबेटेड होना चाहिए बच्चे, अगर मजबूरी है तो अलहदा बात है। ओके, नाउ दिस बैग्स अ क्वेश्चन कि आप जब इसको बैग कर रहे थे तो किस रेट पे कर रहे थे? Five rescue breaths is not this program, it's NLS. Five breaths का क्या मतलब है? Five breaths से तो बस खत्म हो गया, काम हो गया। So इस baby को आपने 40 to 60 breaths per minute से bag करना है। उसका क्या तरीका है? उसका तरीका ये, आप अपनी दिली दिल में बोलते जाते हो, breathe 2-3, breathe 2-3, breathe 2-3. ब्रीथ 2-3. सो जब भी आप ब्रीथ कहते हो, आप कंप्रेस करते हो 2-3 पे, आप इसको छोड़ते हो। सो ब्रीथ 2-3, ब्रीथ 2-3, ये रफली आपका रेट 40 टू 60 के मिनट्स के बीच में होगा। अच्छा, अब अगर आप इस स्टेज पर पहुंच गए हो और आप चेस्ट कंप्रेशंस आपको करनी पड़ रही हैं, तो अब मुझे बताएं कंप्रेशंस किस रेट पे करनी है और थ्री टू वन, और उसमें आप करते क्या हो? एक और बंदा चाहिए होगा ना, रेट क्या है? परमानेंट 90 कंप्रेशन हो। उसको कैसे रेट अचीव करते हो? कंप्रेशन करोगे कहाँ से? लोअर एंड ऑफ थंब्स। लोअर एंड ऑफ थंब्स। ओके, लोअर एंड ऑफ थंब्स को किस तरह रखते हो? यू शुड इनसर्कल द बेबीज चेस्ट, योर थंब्स आइदर लोअर एंड ऑफ द स्टर्नम या जो इंटर मेमरी लाइन होती है ना निपल्स के बीच में, एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करो उसे 1 सेंटीमीटर बिलो। आप थम्स को साइड बाई साइड भी रख सकते हो, आप ओवरलैप भी कर सकते हो। चेस्ट आपकी पूरी इनसर्कल्ड होनी चाहिए। यू आर एमिंग, जो आप कह रहे थे 1/3 ऑफ द विड्थ ऑफ द चेस्ट आपने कंप्रेस करना है, ये आपका रफली एम है, ठीक है? और आपने 3 compressions to 1 breath देनी है, और आप काउंट किस तरह करते हो? 1 and 2 and 3 एंड ब्रीथ। ये आपका, दिस इज व्हाट यू आर सेइंग टू योरसेल्फ ऑल द टाइम। करो मेरे साथ। एक्चुअली ये उल्टा होता है, आपको साइड पे होना चाहिए यहाँ पे। दिस इज व्हाट्स रिकमेंडेड नाउ कि आप के जो, हाँ साइड पे आ जाओ, साइड पे आ जाओ, बैक को अटैच करो, ठीक है? सो जब मैं ब्रीथ कहूँगी ना, तो आपने इसको कंप्रेस करना है। सो 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe। किसी भी पॉइंट पे आपके थम्स का कॉन्टैक्ट स्किन के साथ लूज नहीं होना चाहिए। जब आप एनर्जी के एक्चुअल वर्कशॉप्स कर रहे होते हो ना, जिसमें आपने पास होना होता है, किसी भी वक्त अगर आपके थम्स इस तरह होना, तो वो आपको फेल कर देंगे, बिकॉज दे से दिस इज टाइम लॉस्ट। सो इट्स 1 and 2 and 3 and फिर ब्रीथ। इस तरह रफली आप 30 ब्रेथ्स एंड 90 कंप्रेशन दे रहे हो, ठीक है? अब जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे टीच किया जाता है, समटाइम्स वो पोजिशन और उस तरह के रीसेसिटेज आर नॉट पॉसिबल,
तो इट्स ओके, इस तरह भी आप कर सकते हो. पुराना जो आपका NLS की गाइडलाइंस हैं उसमें नहीं, इस तरह आप चेस्ट को एनसर्कल करते हो और जो एयरवे ले रहा होता है वो हेड पे होता है. तो 1 and 2 and 3 and ब्रीथ, 1 and 2 and 3 and breathe, 1 and 2 and 3 and breathe. अच्छा चले, अब देखते हैं कि क्या. सो दिस इज व्हाट दे मीन बाय इंट्यूबेशन, चेस्ट कंप्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन विद पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन. अब ये जो आपने करना है ना, ये एटलीस्ट 30 seconds ऑफ इफेक्टिव चेस्ट कंप्रेशन विद गुड चेस्ट राइज करके फिर आपने इसको रीवैल्यूएट करना है हार्ट रेट. अगर तो इसका हार्ट रेट राइज करना शुरू हो गया, कंटिन्यू विद द सेम, राइज करके 100 से ऊपर आ गया, चेस्ट कंप्रेशन छोड़ दें, वेंटिलेशन कंटिन्यू करें. अगर 60 और 100 के बीच में, जो मैं आपको बार बार कह रही हूँ, दैट इज़ वेर यू कंटिन्यू विद योर वेंटिलेशन. 60 या उससे नीचे है तो आपने चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन देनी है, ठीक है. अगर ये 60 से नीचे फॉल करना शुरू हो गया डिस्पाइट गुड चेस्ट कंप्रेशन एंड चेस्ट एक्सपेंशन विद ईच ब्रेथ, देन यू नीड टू कंसिडर योर ड्रग्स एंड विच इज़ IV epinephrine. और जब आप ड्रग्स कंसिडर करते हो तो तीसरे बंदे को इस वक्त तक इसकी IV एक्सेस ले लेनी चाहिए, जिसका मैंने आसान तरीका आपको बताया है, वो थ्रू UVC है. बिकॉज ऑल आइनोट्रोपिक ड्रग्स हैव टू बी डिलीवर्ड इन द सेंट्रल सर्कुलेशन. सेंट्रल सर्कुलेशन आप पेरिफेरल कैनाल से नहीं ले सकते, इट हैज टू बी थ्रू द UVC. और इसकी आपने डोज क्या देनी है, ये सारा कुछ इन्होंने दिया हुआ यहाँ पे, ताकि उस वक्त जो है आपको सोचना ना पड़े. बट हमारे पास जो एड्रेनलिन आती है 1 in 1000 डाइल्यूशन आती है, दैट हैज टू बी डाइल्यूटेड 10 times टू मेक इट 1 in 10,000. और 1 in 10,000 आप सेलाइन में डाइल्यूट करोगे और फिर उस सोल्यूशन का 0.1 ml पर kg से दोगे, जिसमें 3 kg का टर्म बचा है तो 0.3 ml, 3 टर्म बचा है 2.5 kg तो 0.25 ml. और ड्रग्स देने के बाद यू कंटिन्यू विद योर चेस्ट कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन, और जनरल रूल वही है, 30 सेकेंड के बाद हार्ट रेट रीवैल्यूएट करो. अगर 60 से नीचे है, गिव अनदर बोलस ऑफ ड्रग, थिंक मुझे सेलाइन का पुश तो नहीं देना, सर्कुलेशन तो नहीं फॉल्ट कर रही, ब्लड लॉस तो नहीं हुआ हुआ. 60 से ऊपर एक दफ़ा हो जाता है, चेस्ट कंप्रेशन आप छोड़ सकते हो, वेंटिलेशन कंटिन्यू करो. 100 से ऊपर एक दफ़ा हो जाता है तो ही स्टार्ट चेकिंग द बेबी टू सी कि इसको वेंटिलेशन की ज़रूरत भी है, इसको ब्रीथ होनी इसने करना शुरू कर दिया, ठीक है. दिस इज़ अबाउट योर न्यू बॉर्न रेसस्टेशन प्रोग्राम. अब आपको समझ आएगी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें, प्रोवाइड वॉर्म्थ टू द बेबी, मेक श्योर फॉर बेबीज हु नीड बैगिंग, मिनट के अंदर अंदर बैग कर दो, दैट इज़ कॉल्ड द गोल्डन मिनट. इफ यू लॉस्ट दैट, यू लॉस्ट इट. हार्ट रेट पे नज़र रखो, 100 से कम अगर हार्ट रेट हो रहा है यू नीड टू बैग दिस बेबी, आपने वेंटिलेट करना है. 60 से कम हो रहा है तो यू नीड टू गिव चेस्ट कंप्रेशन टू द बेबी. डिस्पाइट चेस्ट कंप्रेशन अगर ठीक नहीं हो रहा तो नीड टू गिव वॉन्ट टू गिव ड्रग्स. अगर आपका हार्ट रेट राइज नहीं करा तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उसका एयरवे सही है, ठीक है. बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जिनका एयर वे आप प्रॉपरली मैनेज कर लो, ब्रीदिंग प्रॉपरली मैनेज कर लो, उनकी सर्कुलेशन पे खतरा ना करें. मोर ऑफन देन नॉट इट इज़ बिकॉज आपके लंग्स एक्सपैंड नहीं कर इफेक्टिव, रिमेंबर दैट. अब इसमें कोई सवाल पूछने हैं, ये मैं आपको बता दूँ, अगर अनफॉर्चुनेटली आप इस पॉइंट पे आ जाते हो कि ड्रग्स आपको देनी पड़ रही हैं, तो देखो ये इस पर लिखा है, गिव रैपिडली, repeat every 3 to 5 minutes if heart rate is less than 60 with chest compressions, which means कि जब तक heart rate 60 से नीचे रहता है आपने 3 to 5 minutes के cycle में ये boluses repeat करते जाने. और when to stop resuscitation, different guidelines, different time limits, लेकिन usually अगर 10 से 20 मिनट तक आपने ये कर ली है, 10 से 20 मिनट में आप adrenaline के कितने cycles दे चुके होंगे, बेशुमार, ठीक है. आपने हर 3 से 5 मिनट में उसको करना है, सो 10 से 20 मिनट में यू वुड हैव गिवन एटलीस्ट 5-6 साइकिल्स ऑफ एपिनेफ्रिन.
एंड प्रोवाइडेड हाइपोथर्मिया हैज बीन रूल्ड आउट. अगर बच्चा हाइपोथर्मिक है उसकी रिससिटेशन आपने नहीं बंद करनी. हाइपोथर्मिक बेबीज कैन रिवाइव आफ्टर इवन हाफ एन आवर. जब तक बच्चा हाइपोथर्मिक है उसकी रिससिटेशन बंद नहीं करनी. लेकिन अगर आपने हाइपोथर्मिया करेक्ट कर दी है, सारा कुछ करेक्ट कर दिया है, आप इफेक्टिव उसकी आपने ट्यूब डाली हुई है, आप वेंटिलेट करे और नीमोथॉरिक्स आपने रूल आउट कर दिया, वॉल्यूम एक्सपेंशन दे दी है, 10-20 मिनट्स की रिससिटेशन के बाद अगर ये बच्चा रिससिटेट नहीं हो रहा, मोस्ट गाइडलाइंस सजेस्ट कि आप रिससिटेशन बंद कर दें. दिस बेबी इज नॉट रिससिटेटेड. लेकिन ये मैं बार बार कह रही हूँ, यू हैव टू रूल आउट रिवर्सिबल कंडीशन बिफोर यू टेक दैट स्टेप एंड द सीनियर पर्सन विल टेक दैट स्टेप. अच्छा अब मुझे करके दिखाओ ना जरा टीम्स में. क्या मैं तुम लोगों से पूछ लूँ?